हेलो एवरीवन, आज है 5th अप्रैल 2024। और जैसा कि पता है, आपको पता है कि हम डेली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे डेली बेसिस के ऊपर जितने भी इंसिडेंट होते हैं, जितने भी इवेंट होते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 20 क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर वाज द टेस्ट फ्लाइट ऑफ अग्नि प्राइम कंडक्टेड बाई SFC एंड DRDO। देखो DRDO क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारा क्या है, डिफेंस, ठीक है, डिफेंस एंड रिसर्च, या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना कब था, 1958 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर बना हुआ है, तो याद रखना न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ठीक है, अब समझना कि ये जो DRDO है, इसने अभी क्या किया, एक नई जो हमारी मिसाइल है, कौन सी, अग्नि प्राइम। देखो होता क्या है, हमारे जो हमारा इंडिया है उसके पास टोटल जो मिसाइलें हैं वो कितनी है, 5। 5 का मतलब 5 क्लास है उनकी। ठीक है, मिसाइलें तो बहुत सारी हैं, जैसे P4 नाम क्या है उसका, पटना, P4 पृथ्वी। ठीक है, A4 क्या बना, तो A4 बन गया आपका अग्नि, T से क्या बन गया आपका, त्रिशूल। ठीक है, और N से क्या बना, नाग, और लास्ट में A से क्या बना, तो A से बन गया आपका आकाश। तो याद रखना, सबसे पहला जो फर्स्ट मिसाइल थी, फर्स्ट मिसाइल किसने बनाई थी, तो आपने सुना होगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो पहली मिसाइल थी वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बनाई थी, और वो कब बनाई थी उन्होंने, तो याद रखना उस मिसाइल को 1988 में बनाया गया था, और उसका नाम था पृथ्वी फर्स्ट, और यहीं से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम क्या कह देते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। याद रखना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इससे पहले इसरो में काम करते थे, 1980 में वो रिजाइन करते हैं, रिजाइन करने के बाद इंडिया में वो अपना DRDO ज्वाइन करते हैं, DRDO ज्वाइन करने के बाद एक प्रोग्राम चलाते हैं IGMDP, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि कोई भी कंट्री हमें मिसाइल देने से एग्री नहीं कर रहा था, और उस समय जो पाकिस्तान था उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुका था, ऐसे हमें, हमारे पास उसके बारे में अफवाहें सुन रखी थी हम लोगों ने। ठीक है, तो हमें लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो ये इसरो में काम करते थे, इनको लगा कि मेरी नीड इसरो से ज़्यादा कहाँ पे है, DRDO में, डिफेंस में, तो इन्होंने अपने इंडिया को डिफेंसिव करने के लिए क्या किया, उसको छोड़कर इसमें आ गए, और आने के बाद 1983 में एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इसी के अंडर जो पहली मिसाइल बनी वो बनी पृथ्वी फर्स्ट। पृथ्वी के 5 वर्जन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगली बनाई अग्नि। याद रखना पृथ्वी जो है हमारी शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, अग्नि हमारी लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, और अग्नि के बारे में आपने सुना होगा अग्नि 5। ठीक है, अग्नि 5 वर्जन तक आ चुके हैं, और अग्नि 5 की अभी कल परसों हमने कहा था एक मिशन लॉन्च किया गया था, आप लोग कमेंट करके बताना, कल परसों ही न्यूज़ में था कि जो अग्नि 5 है, जो हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका हमने एक मिशन लॉन्च किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो कौन सा था, शायद 2 दिन पहले की न्यूज़ में था, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इसी की एक सीरीज है अग्नि प्राइम। ठीक है, अग्नि प्राइम की रेंज लगभग 8000 किलोमीटर के आसपास मानी गई है। अग्नि 5 की रेंज कितनी है, तो लगभग इसकी रेंज कितनी है, 5000 किलोमीटर। एक्चुअल में इसकी रेंज देखो तो 5 से ज्यादा ही है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी टेस्टिंग कहां से हुई, आपसे ये पूछा, तो टेस्टिंग कहां से की गई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। अब याद रखना आपके एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, एक क्वेश्चन पक्का साइंस एंड टेक से पूछ लेता है, और साइंस एंड टेक का मतलब इंडिया में DRDO और इसरो ही होता है। इसरो यानी कोई भी मिशन लॉन्च कर देगा तो पूछ लेगा, ठीक है, और DRDO कोई भी वेपन बनाएगा तो उसके बारे में आपसे एग्जाम में कन्फर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो शायद हम लोगों ने DRDO की क्लास अच्छे से पढ़ी हुई है क्लासरूम के अंदर भी। ठीक है, तो उस वाले लेक्चर को भी एक बार रिकॉल कर लेना, और ये वाला जो न्यूज है उसको जाकर उस हैंडआउट में एड ऑन कर लेना। ठीक है, ताकि आगे के लिए तुम्हारे को पास एक रिकॉर्ड बना रहे। ठीक है, आई थिंक बातें समझ में आ गई होंगी। टी से क्या बना, टी से बना त्रिशूल, और त्रिशूल और आकाश क्या है, तो दोनों के दोनों डिफेंसिव सिस्टम है, यानी कि आने वाली मिसाइल्स को रोकने के लिए। ठीक है, अब और ये कौन सा, नाग, नाग का मतलब क्या होता है, सांप, है ना, जैसे कि नाग नागिन की कहानी सुनी होती है ना, कि जब कोई नागिन या नाग या नागिन के जोड़े में से किसी एक को मार देता है तो दूसरा उसका पीछा करके उसको मार देता है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, हमने सुना है कि वो फोटो बसा लेता है सांप अपने आंखों के अंदर जो मारता है उसको, ऐसा नहीं होता, वो क्या करता है, आपकी बॉडी से निकलने वाली हीट को सेंस कर लेता है और आपके पीछे लग जाता है, तो उस हीट के पीछे पीछे जाके आपको डस लेता है। सेम ऐसे नाग मिसाइल क्या काम करती है, तो ये टैंक से निकलने वाली हीट को सेंस करती है, उसकी लेटेंट हीट को सेंस करके उसके पीछे पीछे चलती है,
वो जहाँ जहाँ भी जाएगा उसके पीछे पीछे जाएगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, जैसे एक सांप करता है, नाग करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, नाग मिसाइल। और इसी को एंटी टैंक मिसाइल भी कहते हैं और इसी को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास सबसे अच्छा डिफेंसिव सिस्टम कौन सा है, S-400 जो हमने रसिया से लिया था, जिसकी 400 किलोमीटर की रेंज है कि आने वाले मिसाइल को स्टॉप कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। आपको पता है कि जो टाइम वो किसका चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन। जैसे कल भी हमने द हिंदू में पढ़ा था कि नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हाइड्रोजन से चलने वाली चीजें ले आएंगे, बसें ले आएंगे। हालांकि बसें चल चुकी है पुणे में, वो जिस गाड़ी को वो ड्राइव करते हैं, उसके अंदर वो भी कौन सा यूज होता है फ्यूल, तो हाइड्रोजन यूज होता है, यानी कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो जब ये प्रोडक्ट पॉल्यूशन को कम कर रहा है तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, ग्रीन। जो चीज़ एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होगी उसका ग्रीन लग जाता है। जैसे एक होता है बॉन्ड, एक होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, एक होता है ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड तुम क्यों खरीदते हो, क्योंकि उस पैसे से सरकार एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम करती है, ठीक है। तो जहां जहां पर भी ग्रीन देखो समझ जाना एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन से चलने वाला सबसे बड़ा प्रोडक्शन सेंटर कहां खुलने वाला है, तो ये न्यूज इतनी ज्यादा नहीं है, ये वाली का आंसर तो मैंने बता दिया, विशाखापट्टनम। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये काफी टाइम से न्यूज में है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारा टारगेट कौन सा है, 2070 इंडिया का टारगेट है कार्बन जीरो करने का, और वर्ल्ड का टारगेट है 2050। सब कुछ इसी को अचीव करने के लिए किया जा रहा है, और इसको हमने काफी बार पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड मल्टीपल वीजा एंट्री फॉर इंडियंस फॉर 5 ईयर्स। किस कंट्री ने ऐसा अलाउ किया है मल्टीपल वीजा, तो याद रखना कौन सी हो जाएगी आपकी, सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द न्यू एवरेज मगनरेगा सैलरी। देखो हुआ क्या है, सेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025। देखो हुआ क्या, एक्चुअल में इसमें बताया गया है कि जो मनरेगा के जो वर्कर होते हैं उनकी जो सैलरी है वो कितनी डिसाइड की गई है, ठीक है। तो आपको पता है कि मनरेगा के लिए कितने दिन तक काम करते हैं, वो 100 डेज। आपको पता है कि लगभग 100 डेज में, मैंने कहा कि टोटल कितने डेज होते हैं, 365। अब सोचो कोई गरीब आदमी है, ठीक है, उसको काम नहीं मिल रहा, उसको खाना नहीं मिल रहा, तो हमारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको राइट टू वर्क या राइट टू एम्प्लॉयमेंट उसको प्रोवाइड कराए, तो जबरदस्ती क्या काम करवाया जाए। तो हमने एक स्कीम बनाई नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, यानी कि जो रूरल इलाका होता है, जो ग्रामीण इलाका होता है, उसमें हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। फिर बाद में उसके आगे महात्मा गांधी लगा दिया, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बन गया। और ये कब लॉन्च होता है, तो याद रखना 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और लगभग फरवरी 2006 के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर क्या कहा गया, कहा गया कि जो गरीब लोग हैं गांव में, उनको भूखा ना मरे हुए, तो उनको क्या करेंगे, 100 डेज तक 365 में से क्या दे देंगे, काम दे देंगे, ठीक है। अब वो जो काम दिया गया वो कौन से स्कीम के अंडर दिया गया, नरेगा। और याद रखना नरेगा के लिए इस बार जो बजट पास किया गया था वो कितना था, इस बार के बजट में अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर कितना, लास्ट टू लास्ट ईयर इसमें था 79,000 करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर इसमें कितना था, तो 60,000 करोड़ रुपीज इसमें लॉन्च किए गए थे, दिए गए थे, ठीक है। इस बार इसको बढ़ा दिया गया है और इसको 70+ करोड़ को इसमें डाल दिया गया। हालांकि बजट पूरा आया नहीं है, जब सरकार बन जाएगी, लोकसभा का वो स्टार्टिंग हो जाएगी, 18th लोकसभा स्टार्ट हो जाएगी, तो दोबारा से अभी इंटरिम बजट था, उस बजट का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, तब हम उसमें देख लेंगे कितना पैसा उसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें याद रखना। बीच में क्या होता था, ठेकेदार जो होते थे पैसा खा जाते थे, जेसीबी से खुदाई कर लेते थे, करवाते क्या इन लोगों से, इनसे खड्डे खुदवाते हैं, है ना, ताकि कुछ काम हो और इनको कुछ पैसा मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए कि ये खाना खा सके, ठीक है। तो अगर मैं इसका आंसर देखूं तो अब ये कितना हो चुका है, 261 इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा आता है, विच ग्लोबल लैब नेटवर्क हैज रिसेंटली बीन लॉन्च। देखो कोरोना जो वायरस है उसको मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस खत्म जरूर हुआ है लेकिन वो एंड नहीं हुआ है अभी। मतलब कहने का मतलब क्या है, हालांकि वर्ड दोनों एक ही हैं, मतलब वो शांत है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, तो कहीं दोबारा ना आ जाए, तो कोरोना को अच्छे से ट्रैक करने की नीड है। कहीं दोबारा पैंडेमिक बन गया तो दोबारा से WHO सरकार, उनके लिए बहुत बुरा हाल होने वाला है, लोगों के लिए बुरा हाल होने वाला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब नहीं होना चाहिए तो हमने क्या किया, WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कई बार पढ़ चुके हो, 7th ऑफ अप्रैल 1948 को बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसने एक पोर्टल बनाया, कह सकता हूँ कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, कोविनेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया मालदीव्स एंड विच कंट्री हैव कंडक्टेड एक्सरसाइज दोस्ती 16। तो देखो अभी दोस्ती 16 एक्सरसाइज कंडक्ट हुई, किस किस के बीच थी, तो याद रखना इंडिया मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो सिंपल कई बार एक्सरसाइज भी पूछ लेता है, जैसे एक्सरसाइज दोस्ती की बात हो रही है, ठीक है, सूर्य किरण पूछ लेता है, गरुड़ पूछ लेता है, ठीक है, और भी बहुत सारी मैं कह सकता हूँ कि इतनी एक्सरसाइज होती है हर कंट्री के साथ हमारी मल्टीपल, या कभी ट्राइलेटरल, ठीक है, कभी साल में दो बार भी हो जाती है। तो ऐसा घबराना नहीं है, जब जब होती रहे उनको एक एक पेज पर लिखते रहना है, और एग्ज़ाम तक जब पहुँचो उस टाइम तक तुम्हारे पास लगभग एक पेज दो पेज भर चुके होंगे, उसको उस टाइम पर एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से करोगे तो याद भी रहेंगी चीज़ें आगे तक, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, Which country has introduced e-visa facility only for Indian tourist? तो किस कंट्री ने किया है, तो याद रखना UAE। UAE ने क्या किया है कि जो सिर्फ आपके, सॉरी कौन सी कंट्री ने, जापान ने क्या किया है कि आपके जो इंडियन टूरिस्ट है उनके लिए क्या कर दिया, ई वीजा फैसिलिटी को स्टार्ट कर दिया, और कोई भी कंट्री वहां पर ई वीजा फैसिलिटी को इलेक्ट्रॉनिकली या वर्चुअली उसको अप्लाई नहीं कर सकता, सिंपल ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और अगर वीजा की बात हो रही है बार बार, तो याद रखना हमारे यहाँ पर एक इंडेक्स आता है, पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि इंडिया की लिस्ट कौन से नंबर पे है, इंडिया कौन से नंबर पे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर। हालांकि ये पासपोर्ट इंडेक्स हर दो तीन महीने में आता रहता है, लेकिन अभी क्यों कौन से रैंक पे है वो तुम्हें कमेंट करके बताना है, और पहले नंबर पे कौन है वो भी आप लोग चाहो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये पहले पढ़ाई हुई बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, Which country has recently legalized recreational cannabis? देखो cannabis क्या होते हैं, जो होता है ना गांजा चरस वगैरह, इन सब को किसने अलाउ कर दिया, तो याद रखना जर्मनी ने अलाउ कर दिया है, ठीक है। अगर इंडिया के स्टेटस की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको लीगली तरीके से आप क्या कर सकते हो, उगा सकते हो, उत्तराखंड के अंदर भी उगा सकते हो, ठीक है। कुछ स्टेट्स में इनको क्यों उगा सकते हो, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, कौन सा, हेल्थ प्रोजेक्ट, ठीक है, उस हेल्थ प्रोजेक्ट के अंडर इसको उगा सकते हो, क्योंकि इनके जो, हालांकि ये नशा करने के काम आते हैं, लेकिन इनसे बहुत सारी मेडिसिन्स भी बनती हैं, ठीक है, थीके? और ये जो मेडिसिन्स बनती हैं तो हमें इनकी नीड भी है, तो हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। मैक्सिमम कौन उगाता है ये सब चीज़ें, तो कैनेडा उगाता है ना, उसी के बाद तुमने उड़ता पंजाब भी देखी होगी, ठीक है। तो हुआ क्या कि हम वहाँ से लेते थे तो बड़ा महंगा पड़ता था, हम यहाँ क्यों नहीं उगाते थे, क्योंकि हमारे लोग नशीले नशा कर करके बर्बाद हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, गवर्नमेंट की निगरानी में क्यों ना एक पर्टिकुलर एक दो स्टेट में इसको उगाया जाए, ताकि बाहर से जो पैसा खर्च होता है एक्स्ट्रा वो बचा लिया जाए। तो कहाँ पर, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर ये सब स्टार्ट किया गया, लास्ट ईयर की बातें हैं, ठीक है। और अभी किसने इसको लीगलाइज कर दिया है, तो जर्मनी ने इसको लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव मेड अ रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 48 सेकेंड्स इन द आर्टिफिशियल सन। देखो क्या होता है, एक होता है सन, एक होता है आर्टिफिशियल सन। अब सोचो अगर आर्टिफिशियल सन तुम बना लो तो क्या होगा, कि मान लो तुमने उसको इतनी पावर दे दी, इतनी उसमें से आपकी पावर जनरेट हो रही है कि आपकी पूरी कंट्री को वो लाइट अप कर सकता है। तो सोचो आपने अगर ऐसा बना लिया और रात हो जाती है, तो रात को हमें लाइट तो मिलती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रीट लाइट या जो भी हमारी लाइटनिंग है उसका यूज़ करते हैं, तो बहुत पैसा खर्च होता है, रिसोर्स यूज़ होते हैं। अगर हम एक बल्ब भी ऐसा बना ले जिसको आर्टिफिशियल सन का नाम दे दें और रात को उसको ऑन कर दें जगह जगह पर एक एक सिटी के हिसाब से बनाकर, तो रात को जो ऐसा लगेगा जैसे दिन ही चल रहा है, तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो भी बढ़ेगी, है ना, इफेक्टिविटी भी बढ़ेगी हमारी, और हमारा पैसा भी बच जाएगा। तो इस पर्पज से बहुत सी कंट्रीज इस पर एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। तो अभी क्या हुआ कि जो आपकी कौन सी कंट्री है पूछा है, जिसने लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 48 सेकंड तक आर्टिफिशियल सन को चला के रखा, तो कौन सी कंट्री हो जाएगी, साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। और याद रखना सन के अंदर जो हीट जनरेट होती है वो कैसे होती है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन, एट प्रेजेंट लगभग 74% हाइड्रोजन है, 23% उसमें हीलियम है, और तीन हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, और जब एक हीलियम बनाते हैं तो वो जो बनता है उसी से क्या बनता है, उसी से क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है जो हमारे यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। और याद रखना सन इज ए स्टार, सन क्या है, स्टार। कई बार ये कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सन, क्योंकि सन एक स्टार है। अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट स्टार टू अवर अवर गैलेक्सी, तब कौन सा होगा, तो तब हो जाएगा प्रोक्सीमा सेंटोरी, ठीक है। तो लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान रखना है और उसके बाद क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। मैं ज्यादा सन नहीं पढ़ा रहा अभी, हमने ज्योग्राफी में चीज पढ़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट,
रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म का एक ट्रेलर आया है जो एआई बेस्ड है। किसने उस फिल्म का नाम क्या है तो याद रखना, इराहा। ये ईरान नहीं है, यहाँ पे एच आएगा, ठीक है। इराहा उसका नाम है जो अभी एक एआई बेस्ड फिल्म है, ठीक है ना। और एआई आप जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब आया था, 1956 में। कौन लेकर आया था, जॉन मैकार्थे। और उसी का एडवांस वर्जन कौन सा है, चैट जीपीटी। और उसी का एडवांस वर्जन कौन सा है, जीपीटी 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, रिसेंटली आफ्टर मालदीव यूज इन विच कंट्री हैज द इंडिया आउट कंपेन इंटेंसिफाइड। देखो आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जैसे ही है ना कि वहाँ की लक्षद्वीप की वहाँ पर गए टूर के ऊपर, और उसके बाद मालदीव बर्बाद हो गया, ऐसी कहानियाँ सुनी होगी न्यूज़ के अंदर, देखा होगा। जबकि एक्चुअल में क्या था कि मालदीव में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट था वो एक कंपेन लेकर आया इंडिया आउट, यानी कि वो चाहता था कि इंडिया को बाहर किया जाए, हमारे देश में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडिया का, तो लोगों ने उसको सपोर्ट किया और उसको जितवा दिया। अब सोचो जब उसको जितवा दिया गया लोगों के सपोर्ट से, तो वहाँ के लोग भी चाहते होंगे ना तुम वहाँ ना पहुँचो। उसके बाद धीरे धीरे तुमने देखा कि वहाँ से हमारी आर्मी को भी हटा दिया गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस है। अब सेम कहानी, हमारे रिलेशन खराब हो गए उससे, ठीक है, हमारी आर्मी को वहाँ से हटना पड़ा, और हटने के बाद हमारा जो बेस वहाँ पर बना रहता था वो बेस हटाकर हमने कहाँ लगाया, तो कल ही हमने पढ़ा था अगलेगा आइलैंड। और अगलेगा आइलैंड कहाँ पर बने हुए हैं, तो मॉरिशियस के अंदर, वहाँ पर हमने अपने बेस को बनाया, एयर बेस बनाया हमने। अब सोचो सेम कहानी कहाँ स्टार्ट हो चुकी है, कौन हमसे नाराज होने लगा है, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर भी यही प्रोजेक्ट चल रहा है, यही एक इनिशिएटिव चल रहा है, इंडिया आउट। वो चाहते हैं कि इंडिया को यहाँ से निकाला जाए। तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर, आपने नाम सुना होगा, शेख हसीना, उन्होंने कहा है कि ठीक है इंडिया को आउट तो कर दोगे, लेकिन यहाँ की जो लेडीज है जो साड़ियाँ पहनती है, सारी साड़ियाँ तो इंडिया से बन के आती हैं, तो क्या उन साड़ियों को भी तुम छोड़ दोगे, क्या तुम कपड़े पहनना ही छोड़ दोगे। तो ऐसे तुमने न्यूज़ पढ़ी होंगी ना, कल परसों की बातें हैं, तो तुमसे बस इतना पूछा कि कहां पर ये चल रहा है बांग्लादेश में, ठीक है। अब ये और ज्यादा न्यूज बनेगी क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, जैसे मालदीव में स्टार्टिंग तो थी ना इलेक्शन के टाइम पर, और आज देखो कितना बड़ा इशू बन गया हमारे लिए। तो सेम ऐसे अगर बांग्लादेश में भी ऐसा कुछ होता है तो हम इसको फिर इन फ्यूचर पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे अगर ये बनता है तो, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, नेशनल मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट होता है, तो याद रखना आज कौन सा डे है, 5th of अप्रैल, आज क्या है, नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, व्हेन वाज द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। देखो जो हमारा कावेरी वाटर डिस्प्यूट है ना, उस कावेरी वाटर डिस्प्यूट की वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 262। इस आर्टिकल 262 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर दो स्टेट आपस में लड़ते हैं और वो दोनों स्टेट अगर वाटर के ऊपर लड़ रहे हैं, पानी के ऊपर लड़ रहे हैं, तो 262 में उसका सॉल्यूशन होगा। और उसके अंडर फिर क्या हुआ, कावेरी का डिस्प्यूट इतना ज्यादा हो रहा था तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और पुडुचेरी के बीच में, कि इन्होंने क्या किया, इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट एक्ट ही पास कर दिया। कब पास किया, तो याद रखना 1956 में पास किया होता है, ठीक है, कौन सा, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। अगर पूछे कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कब बना, तो ये 1990 में बना होता है, ठीक है ना, ये 1990 में बना होता है, कौन सा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। और याद रखना कावेरी का दूसरा नाम क्या है, तो इसको दक्षिण की गंगा भी कह देते हैं, यानी गंगा ऑफ साउथ, और इसी को पोनी रिवर भी कहते हैं, क्या नाम है उसका, पोनी रिवर भी उसी को कहते हैं, काफी न्यूज में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ फॉल्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, देखो जब भी किसी का जन्म होता है, जब भी किसी की डेथ होती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना इज कंपलसरी। तो ये जो एक्ट था ना, ये एक्ट आया था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, ये आया था 1969। और इसमें क्या होता था, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जब बच्चा पैदा होता था तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था। आज भी तुम गांव में चले जाओ कि वहां पर जो ऑफिस में काम होता है सरकारी, इतना ढीला होता है कि बच्चा 5 साल का हो चुका होता है, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ होता है, तो उसके पेरेंट्स जो उसकी उम्र लिखवाना चाहें वो हो जाती है। हालांकि अब आधार कार्ड आने से चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं, तो होता क्या था कि उस बच्चे के जो बेसिक राइट थे ना वो छिन जाते हैं। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पर आर्टिकल 21 के में तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, कौन सा, राइट टू एजुकेशन, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है अगर आपकी एज 6 से 14 ईयर तक है। अब सोचो उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ और उस बच्चे को उसकी एक्चुअल एज ही नहीं पता और उसकी जो राइट टू एजुकेशन छिन गया, तो हु इज रेस्पॉन्सिबल, तो गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोग्राम
प्रोग्राम स्टार्ट किया, कौन सा, इस वाले रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो एक्ट है इसके अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया, और अमेंडमेंट कब किया 2023 लास्ट ईयर, और कह दिया कि ये जितना भी रजिस्ट्रेशन होगा ना अब ये डिजिटली होगा, और जब डिजिटली होगा तो हर जगह अपडेट कर दिया जाएगा, डिजिटल इंडिया चल ही रहा है आजकल, तो उससे क्या होगा उनके राइट्स को भी बचाया जाएगा, ठीक है। कई बार कईयों की डेथ हो जाती है और उसका बेनिफिट बहुत सारे लोग लेते रहते हैं, ठीक है। जैसे कोई पेंशनर है उसकी डेथ हो गई, उसकी जो सैलरी होती है वो लोग उसका यूज करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता आगे कि डेथ हुई कि नहीं हुई, ठीक है। और जब पकड़े जाने का डर होता है तो उसी टाइम की सर्टिफिकेट बनवा ली जाती है। तो ये जो सारे मिसयूज होते हैं, लूप होल्स हैं, इनको खत्म करने के लिए हमने इसको डिजिटलाइज कर दिया, ठीक है। और वो कब गया 2023 में। तो आपसे पूछा है कि एक्ट किसके अंडर आता है, तो याद रखना ये क्या स्टेट का सब्जेक्ट है, क्या यूनियन का है, क्या कंकरेंट का है, मतलब क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही इसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है, क्या यूनियन का भी कंट्रोल है, क्या इसके अंदर दोनों का कंट्रोल है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ये किसका सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट का। और ये जो डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट है वो कौन से डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट हमारे कौन से शेड्यूल में लिखे हुए हैं, तो ये हमारे शेड्यूल नंबर 7 में लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट, कुछ स्टेट के सब्जेक्ट, कुछ यूनियन के, और कुछ किसके होते हैं कंकरेंट के, जिसमें दोनों को दोनों काम कर सकते हैं। जैसे डिफेंस, डिफेंस में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ना इंटरफेयर कर सकती है कि आर्मी को ऐसे करो वैसे करो, वो सेंटर का डिसीजन है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आज के दिन अगर तुम देखो तो यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं, लगभग 100 हैं, इसके अंदर कितने हैं तो 61 है, और कंकरेंट में कितने हैं 51। पहले इसमें 66 थे बना, जब बाद में 5 इसके यहां से निकालकर इसमें जोड़ दिए, और इसमें 47 हुआ करते थे, तो सorry, इसमें कितने हुआ करते थे 46, तो इसके कितने हो गए 51, और इसके कितने रह गए 61 रह गए, ठीक है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी हमें, ठीक है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन किसका सब्जेक्ट है, तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तुम चाहो तो सीबीएसई से पढ़ो, चाहो तो आरबीएसई से पढ़ो, एचबीएसई से पढ़ो। लेकिन पहला स्टेट कौन सा है जो चाहता है, जिसने लास्ट टाइम डिमांड की थी कि हमें जो हमारी एजुकेशन है वो स्टेट से हटाकर, या सॉरी कंकरेंट से हटाकर स्टेट में डाल दो, तो वो कौन सा था, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये भी थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, When was the registration of birth and death act passed in India? तो कब पास हुआ था, अभी मैंने बताया कब हुआ था, 1969 में पास हुआ था, और उसमें अमेंडमेंट कब होता है 2023, अब इसको डिजिटलाइज कर दिया गया, बस इतना सा किया गया है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, When was the हवाना सिंड्रोम फर्स्ट डिस्कवर्ड। देखो हवाना सिंड्रोम क्या होता है, हवाना सिंड्रोम ना सबसे पहले डिस्कवर किया गया था हवाना सिटी में, ठीक है, क्यूबा, ठीक है। 2016 में हुआ क्या था कि यूएस के कुछ, यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके कुछ सोल्जर्स थे या कुछ ऑफिशियल्स थे, वो कुछ साल तक वहाँ पर रहकर आए, और जब आए ना तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वहाँ का जो पानी था, वहाँ का जो खाना पीना था, उससे उनके शरीर में ऐसा कुछ हुआ, साइकोलॉजिकल चेंजमेंट हुआ कि उनके सर में दर्द होने लगा। उनको एक पर्टिकुलर जगह पर वो चले जाते हैं, मान लो मैं अभी स्टूडियो में खड़ा हूँ, और अगर मान लो मुझे हवाना सिंड्रोम है और मान लो मुझे स्टूडियोस है, तो मैं जब स्टूडियो में पहुंचूंगा ना तो अल्टीमेटली मेरे शरीर में दर्द होने लगेगा, और जैसे मैं बाहर चला जाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर टाइप के पर्सन के साथ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, उनका सर दुखने लगता है, उनके कानों से उनको अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो ये जो बीमारी है इसको हवाना सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुई थी, 2016 से, और इसके इंडिया में भी केस देखने को मिले हैं, तमिलनाडु में पहला केस आया था कुछ साल पहले, ठीक है। तो ये एक बढ़ती हुई डिजीज़ है जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर भी है, और कुछ हमारे केमिकल जो हमारा बॉडी है उसमें थोड़ा केमिकल लोचा भी हो जाता है, ठीक है, सोडियम ज़्यादा हो गया और ये ज़्यादा हो गया, उनसे भी हो जाता है। तो एक कह सकता हूँ कि नई टाइप की डिजीज़ है, थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है पूछ ले। हवाना सिंड्रोम 2016 में मिली थी, ठीक है, सबसे पहले यूएसए के लोगों में पाई गई थी, कहां पर, हवाना जगह के ऊपर, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, हाउ मेनी मेंबर्स आर देर इन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनिट। देखो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनिट, सॉरी इकोनॉमिक यूनिट जो है ना, ये क्या है, 2014 में बनी थी, ठीक है, और इसकी जो डील हुई थी वो कहां पर साइन हुई थी, तो याद रखना अस्ताना, कहां पर साइन हुई थी उसकी डील, अस्ताना के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे अस्ताना है कहां पर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, टोटल 5 मेंबर बैठते हैं, ठीक है, रशिया बैठता है, किर्गिस्तान बैठता है इसके अंदर, ठीक है, ऐसे करके 5 कंट्रीज बैठती हैं और इसके मेंबर बन जाती हैं। करती क्या है, तो ये इंडिया या दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने का काम करती है, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया की कुछ कंट्रीज है। तो जैसे इंटरनेशनल ग्रुप पढ़ते हैं ना, क्वाड पढ़ते हैं, I2U2 पढ़ते हैं, G20 पढ़ते हैं, G7 पढ़ते हैं, ठीक है, बिम्सटेक वगैरह पढ़ते हैं, सेम ऐसे कौन सा है, यूरेशियन, ई यू बना कब था, 2014 में,
ठीक है, कहां पर ट्रीटी हुई थी, अस्ताना में हुई थी। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया और जो ईईयू है ये आपस में किसकी बात कर रहे हैं, तो आज के न्यूज पेपर में देखा होगा ये बात कर रहे थे किसकी, फ्री ट्रेड की, है ना, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो ये न्यूज में आ गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी आपसे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, द ट्रीटी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनिट कहां पर हुई थी, तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपसे कहां पर, अस्ताना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा हम किसके साथ ट्रेड करते हैं, तो याद रखना रशिया के साथ ही हम सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं इसके अंदर, ठीक है, इस कंट्रीज में या इस ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज है। चलो आप ही मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें फाइव मेंबर कौन कौन से है, ठीक है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, दो मैंने छोड़े हैं वो तुम मुझे कमेंट करके बताओगे, या टोटल पांच कितने हैं वही आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, तो फिर अगर उसके बाद आपको ये चीजें भी याद रहने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इंडियाज लीगल सिस्टम कैन इट बी सोल्ड, बुक रिटन बाय, किसने लिखी है बुक। देखो आज के द हिंदू में आपने देखा होगा सीजीआई जो है हमारे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने क्या किया, अभी एक पर्सन थे फली सैम नरीमन, जो हमारे लीगल हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फेमस थे, है ना, 1982 का आप देख लो सेकंड जजीज केस देख लो, उसके बाद थर्ड जजीज केस देख लो, अब उसके बाद एनजैक देख लो, ठीक है, आप उसके बाद आपकी जो अरुणाचल प्रदेश को वो कर दिया गया था, वहां की असेंबली को वो कर दिया गया था खत्म, उसके बाद उसका केस देख लो, जितने भी बड़े बड़े केसेस थे उन सब में इनका इंपॉर्टेंट रोल था। इनकी 21st of February को क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो अभी जो हमारे सीजीआई है उन्होंने इनकी बहुत तारीफ की है ना, और कहा कि एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, लीगल हिस्ट्री में उनका नाम रखा जाएगा, ऐसा वैसा, तो ये दोबारा से न्यूज में आ गए। तो इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, ठीक है, तो उनमें से एक बुक कौन सी है, इंडियाज लीगल सिस्टम कैन इट बी सोल्ड, तो ये किसने लिखी है, फली सैम नरीमन। याद रखना एक क्वेश्चन आपका किसी भी ऐसे पर्सन से आ जाता है जो फेमस पर्सनालिटी थी और उनकी डेथ हो जाती है, तो उन्होंने बुक क्या लिखी, काम क्या करते थे, किस डिपार्टमेंट में थे, ये सारी बातें पूछ लेता है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। इनको 1991 के अंदर याद रखना पद्म भूषण मिला था और 2007 में इनको पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, एनजेक वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखो एनजेक एक्चुअल में है क्या, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है, या कमीशन। एनजेक कब आया था, 2014 में आया था, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था 2015 में। क्यों, क्योंकि देखो पहले जो जजेज होते थे ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होता है सीजीआई, उसकी अपॉइंटमेंट करने के लिए याद रखना एक कोलेजियम सिस्टम होता है, ठीक है। और कोलेजियम सिस्टम में सिंपल सा समझना 1:4 का रेशियो रहता है, एक होता है आपका सीजीआई और चार होते हैं दूसरे जज, ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट सीजीआई कौन होगा, ठीक है, या किसको जज बनाया जाए, ये सब। अब जब नेक्स्ट सीजीआई ये डिसाइड करते हो तो मतलब जज ही जज को अपॉइंट कर रहा है, तो कहा गया कि भाई गलत बात है, अब क्या करें, किसी बाहर के मेंबर को उठा ले। तो इन्होंने एनजेक पास किया, एनजेक में कह दिया कि एनजेक में टोटल कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे। एक इसमें कौन होगा, लॉ मिनिस्टर होगा, ठीक है, एक इसमें कौन होगा, सीजीआई होगा, दो इसके अंदर कौन होंगे, तो इस सीजीआई के बाद के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होंगे, है ना, सुपीरियर जजेज सीजीआई के जस्ट बाद, वो सुप्रीम कोर्ट के दो जज हो जाएंगे। और दो मेंबर कहां से होंगे, तो दो गवर्नमेंट के मेंबर होंगे इसके अंदर, तो 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6, टोटल 6 मेंबर होंगे। ये सारे के सारे लॉ मिनिस्टर है, ये सारे के सारे रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट उस बंदे को सीजीआई बनाएगा। तो मतलब जो जुडिशरी थी उसके अंदर इंटरफेयर हो रहा था, और आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी लेजिस्लेचर ये तो सारी सेपरेट होनी चाहिए। तो बाद में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल या वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि कौन सा आर्टिकल है जिसको बी आर अम्बेडकर जी ने भी बहुत फेमस आर्टिकल कहा था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, तो वो कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 13। और उसके सेकंड में क्या लिखा है, जुडिशियल रिव्यू। और उसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को वोलेट करता है, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, तो उस लॉ को जब चाहे सुप्रीम कोर्ट उसको नल या जीरो या वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो हुआ क्या, 2015 में इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और इसके अंदर भी डिक्लेयर करवाने में सबसे बड़ा रोल किसका था, फली सैम नरीमन, ठीक है, नरीमन, ठीक है, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही था, आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।